युवाओं को आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए? मैं युवा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और क्यों जवानी में ही आरसीएम करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि जब आप नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, और ऐसी चुनौतियां आपके सामने आती हैं जिनको एक नव युवक ही झेल सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं युवाओं को क्यों आरसीएम करना चाहिए। देखिए, जब आप आरसीएम करते हैं और नेटवर्क बड़ा करते हैं तो बहुत सारा समय आप अपने घर से बाहर निकालते हैं, यानी कि जब आप घर में होते हैं तो अच्छा अच्छे से सो जाते हैं, अच्छे से खाना मिलता है, सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होती हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, जिसमें से कि सबसे पहली बात है जो आपको मैनेज करना पड़ता है वो होता है यात्रा। अब मान लीजिए कि आप अपने आसपास क्षेत्र में नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद कोई नेटवर्क आपको मिल जाता है, जैसे आप बनारस के रहने वाले हैं, मान लीजिए मैं बनारस का ही रहने वाला हूं और मुझे बनारस से मुंबई जाना है नेटवर्क खड़ा करने, डाउनलाइन का कोई अप्रोच मिला, मुझे मुंबई मीटिंग करना है, और मुझे आज मान लीजिए 17 तारीख है तो मुझे 22 तारीख को वहां मीटिंग करनी है, और रिजर्वेशन है नहीं, फ्लाइट से आप जाओगे तो 7,500-8,000 रुपए खर्चे हो जाएंगे, उतना रुपया है नहीं क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट किया है, रिजर्वेशन भी नहीं है और आपको जाना भी है क्योंकि बिजनेस बड़ा करना है। तो आप यंग हैं, यूथ हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है, तो आप स्लीपर में भी बैठ के जा सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके बिना सीट के आप टीटी से बात करके अपना फाइन दे के टिकट बनवा के नीचे फ्लोर पे पन्नी बिछा के भी सो के जा सकते हैं। अगर बहुत भीड़ है तो आप एक पैर पे खड़े होके भी आप जा सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से 22 तारीख को आपको पहुंचना है और आप पहुंच सकते हैं क्योंकि आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा है। वही अगर कोई 50 साल से प्लस के व्यक्ति को बोला जाए कि बाथरूम के कबोर्ड के बगल में आपको पन्नी बिछा के मुंबई जाना है तो वो शायद ना जा पाए क्योंकि वो एनर्जी उनके पास नहीं है। तो युवा होके MLM RCM करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्राओं को आप झेल जाएंगे। दूसरा, जब आप यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों में एक चुनौती ये भी आती है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप भूखे रह सकते हैं, जैसे आप एक टाइम खाना खा लिए तो आप एक टाइम किसी तरीके से मैनेज करके आप अपनी जिंदगी को चला सकते हैं क्योंकि आप बिजनेस करने गए, घूमने नहीं गए, और रुपए की भी कमी होती है शुरुआत में। यानी यात्रा, आप युवा हैं तो यात्रा को भी बड़े आनंद के साथ बिता सकते हैं, आप युवा हैं तो एक दो टाइम भूखे भी रह के चल सकते हैं, आप युवा हैं और आपके पास रुपया भी नहीं और आपने बिजनेस बाहर करने की सोची है तो बहुत होता है, बहुत सारा जो खर्चा होता है वो होटल का होता है, यानी एक रात के केवल सोने के आप 1,000-1,200 देते हो, मिनिमम देते हो तो, और आपके पास एनर्जी है जैसा कि मैंने शुरुआत में किया था, बहुत सारे लोगों ने किया, मुकेश कोठारी जी को भी सुनेंगे तो बहुत सारी स्टोरी उन्होंने बताई है, राजाराम सारन सर ने भी बताई है, यानी जितने बड़े लीडर हैं सबने ये झेला है, और आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके भी जिंदगी में आएगा। अब मान लीजिए कि 12 बजे रात को आपको ट्रेन उतार दी मुंबई में तो आप कहाँ होटल लेने जाओगे, एक चद्दर निकालो प्लेटफॉर्म पे या वेटिंग एरिया में जाओ, बिछाओ, सो जाओ, होटल का 1,000 रुपया बचा वो आप खाने पे खर्च करो, वो टीम के ऊपर खर्च करो, कॉफी पिलाने में, चाय पिलाने में, तो आपका बिजनेस उससे बढ़ेगा। तो ये जो चीजें मैंने 3 चीजें बताई है, एक यूथ ही कर सकता है, एक बुजुर्ग आदमी को बड़ा चैलेंज होगा, चुनौतियां आएंगी, और ये चीज अगर आप इस उम्र में कर लेते हैं, झेल लेते हैं आरसीएम करते हुए, तो जब 50+ होंगे तो उस समय आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होगा, तो उस समय फिर वो चुनौतियां आपके जिंदगी में नहीं आएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक यूथ को मन लगा के आरसीएम करना चाहिए, और वो अगर कर ले जाता है तो निश्चित तौर पे कि उसका जो फ्यूचर होता है बड़ा ब्राइट होता है, बहुत शानदार होता है। और भी जब आप बाहर निकलते हैं तो चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों को आप तब मैनेज कर पाएंगे जब आप यूथ होंगे, आपके मतलब आपके पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। बहुत टाइम क्या होता है कि आपको 4 किलोमीटर दूर जाना है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो पैदल ही चले जाओ, क्योंकि इस समय एनर्जी है आपके पास। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है युवाओं से कि आप आरसीएम को अभी करो, ये मत सोचो कि आईडी मैंने डाल दी है तो मैं 10 साल 15 साल 20 साल बाद करूंगा, ना ना ना, ये ऊर्जा का बिजनेस है, उत्साह का बिजनेस है, आनंद का बिजनेस है, संघर्ष का बिजनेस है, तब जाके मजा आता है, तब जाके बड़ा नेटवर्क होता है और बड़ी इनकम आती है, बड़ी पिन आती है। इसलिए आप यूथ हैं तो आप जरूर
इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए नेटवर्क को बड़ा करिए, ताकि जब आप उम्र के ढलान पे हो तो एक सॉलिड नेटवर्क हो जो हमेशा आपको आमदनी देती रहे। वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जे आर सिंह।